हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था परमाणु कक्षकों, विभिन्न परमाणु कक्षकों का आकार और अभिविन्यास, तो उन विभिन्न परमाणु कक्षकों का आकार और अभिविन्यास में जो अपने परमाणु कक्षक की एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, तो सब जो पिछले वाली वीडियो में यानी कल अपन ने पढ़ लिए थे एस कक्षक का आकार, आज अपन रहेगा पी कक्षक का आकार। पी कक्षक का आकार और अभिविन्यास, पी कक्षक का आकार और अभिविन्यास, ठीक है। एस कक्षक का अपना आकार कैसे निकला था, गोलाकार, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने से माने इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता साई स्क्वायर और नाभिक से दूरी आर के बीच जब ग्राफ खींचा था तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने से मान नाभिक से चारों समान दूरी पर पाएगी, इसलिए उसका आकार कैसे निकला, गोलाकार। परंतु पी कक्षक होता है उसमें साई स्क्वायर व आर के बीच ग्राफ खींचने से ज्ञात होता है कि पी कक्षक की आकृति, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है, यानी इसमें साई स्क्वायर इधर ले लिया अपन ने, साई स्क्वायर इधर क्या ले लिया अपन ने, आर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इसका आता है ऐसे, ऐसे आता है जिसे यह निष्कर्ष निकलता है इसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है, और इसमें यानी इनकी आकृति होती है ऐसे, डंबल से अभी इसकी आकृति होती है, डंबलाकार होती है, और यह इसकी कहलाती है दोनों पालियां, इसकी क्या कहलाती है, पालियां कहलाती है, इन दोनों पालियों के जो बीच का यह स्थान होता है, दोनों पालियों के बीच का जो यह स्थान होता है यह कहलाता है नोडीय सतह, यह स्थान क्या कहलाता है, इसके दोनों पालियों के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, यह नोडीय सतह, यानी यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी साई स्क्वायर का मान शून्य होता है, साई स्क्वायर का मान क्या होता है, शून्य, यानी जहां साई स्क्वायर